हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी जिस भी ट्रेन में टिकट बुक करते हैं या करवाते हैं, क्या आपको पता है कि उस ट्रेन में कितने प्रकार का कोटा होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होता है कि एक ट्रेन में कितने प्रकार के कोटा होते हैं। तो चलिए आप सभी को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक ट्रेन में जिसमें सभी लोग टिकट बुक करते हैं या सफ़र करते हैं, उस ट्रेन में टोटल 12 प्रकार के कोटा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 प्रकार के कोटा होते हैं, जिनमें नॉर्मली लोग 2-4 कोटा ही यूज़ कर पाते हैं। शायद आप सभी बाद बाकी कोटा के बारे में जान गए, तो उस कोटा के थ्रू आप भी टिकट बुक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो चलिए वो 12 प्रकार के कौन कौन से कोटा होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला, जनरल कोटा। यह कोटा सामान्य लोगों के लिए होता है, जिसका बुकिंग 120 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, तत्काल कोटा। तत्काल कोटा जो कि एक दिन पहले बुकिंग होता है। अगर आपको कल ट्रेन पकड़नी है तो आज आप टिकट बुक करके सफ़र कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रीमियम तत्काल। यह बहुत कम ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल होता है। यह तत्काल से ऊपर माने तत्काल से ज़्यादा फेयर दे के आप प्रीमियम तत्काल बुक करके सफ़र कर सकते हैं। चौथा, लेडीज़ कोटा। लेडीज़ कोटा हर ट्रेन में होता है। इसमें भी रेलवे कुछ सीट रिजर्व करके रखती है, जैसे कि एक कोच में 2 लेडीज़ बर्थ होते हैं। और पांचवा, सीनियर सिटीजन कोटा। जैसे कि आप जानते हैं, 60+ एज वालों के लिए सीनियर सिटीजन कोटा होता है। अगर बाय चांस सीनियर सिटीजन के साथ कोई 45 के ऊपर अगर कोई फीमेल, कोई लेडीज है, वो भी सीनियर सिटीजन कोटा के द्वारा जा सकती है एक साथ। छठा, हैंडीकैप फिजिकली कोटा। इस कोटा के थ्रू हैंडीकैप लोग, जैसे कि जो लोग शरीर से विकलांग है, उन लोगों के लिए भी रेलवे कुछ सीट रिजर्व करके रखती है। सातवां, एचओ कोटा। यह कोटा इमरजेंसी कोटा होता है, जो कि मिनिस्टर, एमएलए, मंत्री, इन लोगों के लिए भी कुछ कोटा रेलवे रिजर्व करके रखती है, जिनको इमरजेंसी केस में उन्हें सीट प्रोवाइड कर सके। आठवां, पार्लियामेंट कोटा। पार्लियामेंट कोटा यह वह कोटा है जो मिनिस्टर, एमएलए, एमपी से भी ऊपर जो वीआईपी होते हैं, उन लोगों के लिए भी पार्लियामेंट कोटा एक ट्रेन में होता है। नौवां, डिफेंस कोटा। डिफेंस कोटा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी एक ट्रेन में कुछ सीट रिजर्व करके रखा जाता है डिफेंस वालों के लिए। दसवां, फॉरेन टूरिस्ट कोटा। ये होता है विदेशी लोगों के लिए भी रेलवे कुछ सीट रिजर्व करके रखती है, जो कि उन लोगों को वो सीट प्रोवाइड करे। 11वां, ड्यूटी पास कोटा। ड्यूटी पास कोटा ये रेलवे एम्प्लॉय के लिए होता है, जैसे कि रेलवे को अपना काम करवाने के लिए अपने एम्प्लॉय को उस ट्रेन में भी कुछ सीट रिजर्व रखती है। एंड 12वां, युवा कोटा। युवा कोटा स्टूडेंट के लिए होता है। इस कोटा के द्वारा स्टूडेंट अपना टिकट बुक करवा के जा सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।